मैगनी टूल वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। तो अभी बज रहा है 1 को, नहा धो के मैं हो चुकी हूँ फ्री। और दुर्गा भी नीचे है, मतलब शायद बुआ सा के घर पे गई है। एंड थोड़ा बहुत काम तो लगभग हो चुका था, थोड़ा सा बाकी है। अब जाके खाना वाना खाएंगे और उसके बाद में आज मुझे वो क्वेश्चन आस्क मी क्वेश्चन वाला जो मैंने स्टोरी लगाया था उसका भी वीडियो शूट करना। वो वाला आपको अलग देखने को मिलेगा, इसी ब्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा। बट उसमें मुझे स्टोरीज के जो भी क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन आए वो वाले लिखूंगी नैम के साथ में। और उसके बाद में वो वीडियो भी मेरे को शूट करना है। तो एक तो बच चुके, अब देखते हैं कब शूट करते हैं। उसके अलावा मुझे थोड़े पेटीकोट वगैरह भी सिलने हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता। आई होप कि आज जो है वो फर्स्ट Q&A शूट हो जाए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्टोरी लगा रही हूँ कि हाँ मैं करूंगी बट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज तो फाइनली हो जाए, बस यही है, कैसे भी करके मुझे करना है। तो अभी चलते हैं नीचे, जाके देखते हैं कुछ थोड़ा वो जो है रह गया वो करते हैं और फ्री होते हैं, उसके बाद में वीडियो शूट करने की तैयारी करते हैं। सो नीचे जाके मैंने खाना वाना खाया। इसका फ्रंट कैमरा काम नहीं करता आजकल अच्छे से। और भाई ऊपर मैं सोच रही थी कि ना मुझे क्वेश्चन लिखने नहीं पड़े, कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूं, बट लिखने तो पड़ेंगी। तो मैं नोटबुक तो मुझे मिल गई और पेन ढूंढ रही हूं एक बार मिल जाए। कहाँ ढूंढूं, पड़े तो रहते हैं हमेशा, तो लेकिन होता ना तो चश्मा तो लाए नहीं। सो मैंने फिर हिना भाई सर से जाके पेन लिया था और ये नोटबुक तो मुझे अपने ही यहाँ पे ड्रॉअर में मिल गई थी। तो यहाँ इसमें कुछ लिखा हुआ था तो मैं बस वो पढ़ने लग गई थी। शायद पता नहीं किसकी थी, इनकी होगी, ये इन्होंने बीच में ऑनलाइन क्लासे वगैरह ली थी तो शायद वो वाली नोटबुक होगी, मुझे कंफर्म नहीं है। बट मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन वगैरह पढ़ने लगी थी, फिर मैं देख रही थी कि इसमें मुझे खाली पेज मिल जाए कहीं। पीछे वैसे तो काफ़ी सारे खाली पेज पड़े थे तो मैं वहाँ पर लिखने वाली थी। किसी तैसे करके मैंने सारे 10 क्वेश्चन लिख लिए ना, लिखने की आदत ही मतलब छूट गई है बिल्कुल ही। लिखना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। जब मैं लिख रही थी तो मेरे हस्बैंड आए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला चलो ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपके क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो उन्होंने मेरे शायद 5-6 क्वेश्चन लिखे फटाफट से, फिर मेरे को बोलते हैं ठीक है हो गए। मैंने बोला नहीं 10 क्वेश्चन लिखने, तो बोलता अच्छा अभी लिखना स्टार्ट ही किया रही है। बोला मैं तो जा रहा हूँ वापस, आप खुद लिखो। तो उसके बाद मैंने 4-5 क्वेश्चन और लिखे और कुछ ये क्वेश्चन जो है क्या है, किसने पूछा है, इनके आंसर क्या, ये आपको अलग वीडियो, एक नॉर्मल बस इसी का वीडियो होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप उसका वेट करना, नेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अभी क्या करते हैं, शूट करते हैं फटाफट से क्योंकि सिलाई भी करनी है, तो करते हैं स्टार्ट। हो गया मेरा Q&A, अब मैं नीचे जाके दुर्वा को संभालती हूँ। दुर्वा हालांकि घर पे नहीं है बट फिर भी मैं जाके देखती हूँ एक बार कि वो आ गई क्या, और थोड़ा सा कमर में सीधी करूंगी फिर मैं सिलाई करूंगी। सो Q&A शूट करने के बाद मैं जस्ट नीचे गई और नीचे जाके मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, जाते ही सीधा मैंने सिलाई करने स्टार्ट किया। और सिलाई करते करते मतलब कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बज चुके थे वैसे भी। तो मैंने थोड़ा वो सिलाई का किया, पेटीकोट वगैरह सिले, कटिंग करी, उसके बाद में वो कंप्लीट किया कैसे तैसे करके। फिर वहाँ से जब अपन सिलाई करते हैं ना तो पूरा जो जगह होती है जहाँ पे अपन बैठ के सिलाई कर रहे होते हैं वो पूरी जगह इतनी बेकार हो जाती है, मतलब वो कचरा कचरा हो जाता है। तो वहाँ से फिर क्लीनिंग करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने वो सब किया, उसके बाद में अभी खाने का टाइम हो गया। तो फिर मेरा क्या हमेशा से ऐसा है कि मैं कुछ अलग बनाने का, किसी का खाने का होता है बट मेरे खाने का नहीं, मेरा होता है कि मैं कुछ हमेशा अलग अलग बनाऊं। तो फिर मैंने मम्मी जी से पूछा कि आज क्या बनाऊं, तो उन्होंने सोचा क्या बनाओगे क्या बनाओगे, फिर मैंने बोला ठीक है मैं आज कढ़ी और पूड़ी बना देती हूँ। तो कढ़ी नवैसा ने पहले बना दी थी और फिर मैंने एक जो हरा धनिया होता उसकी चटनी बनाई थी, एंड उसके बाद में मैं निकाल ली हूँ पूरियाँ। पूरियाँ मुझे ऐसे बड़ी बड़ी साइज़ की निकालनी पसंद है, क्योंकि जब मैं बड़ी साइज़ की बनाती हूँ तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है और ये बिल्कुल भटोरे जैसे लगती है दिखने में। और ऐसा नहीं कि दिखने में अच्छी लगती है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से बनाई जा रही थी। और पता है एक चीज़, गैस पर जो है ना ये चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गैस बहुत स्लो चलता है। तो उस वजह से एक एक ही चीज़ डाल, मतलब एक एक पूड़ी डाल के मैं यहाँ पे तल रही हूँ। एक डालती हूँ फिर वो पकती है पूरी, उसके बाद में मैं दूसरी डालती हूँ, ऐसे करके करके हो रहा था। तो काफ़ी टाइम लग जा रहा था इसमें, क्योंकि ऑयल जो है ना वो अच्छे से गर्म नहीं हो रहा था, तो मैं काफ़ी देर तक मेरे को खड़ा रहना पड़ा था। तो मैं ऐसे कर करा के ऐसे बना जा रही थी एक एक करके।
खाते हैं ना उनके साथ, बाघ के साथ खाते करेंगे, कृष्ण भगवान का ही वही करेंगे, बाघ के साथ पूरा फिर फेरा खाइए, फिर पूजा पाठ पंडित जी कर लेंगे और सब लोग भी है वो देखिए आई डी खोल, देखिए मैं बात देखिए आई डी मतलब यहाँ को पहले बहन को कुछ खोल सको भगवान या कुछ देखो मेरा क्यों बोलते मामी साहब खाऊंगा तो फूटेगी ऐसी थोड़ी और क्या चटनी में डालू क्या? चटनी डाल तो आप सबने सुना यहाँ पर कि मैं बात करी थी पूजा सिंह की, जिन्होंने कल जयपुर में भगवान के साथ में साथ फेरे लिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ थी। उसके बाद में उन्होंने खुद नहीं पोस्ट करके डाला था कि उनका जो शादी होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिनको क्लियर करने के लिए हटाने के लिए जो ऐसा करना पड़ा उनको, तो वो बहुत ही बड़ी फेक न्यूज़ थी। तो अब बोलना मनु 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 रख दे मुझे, मनु मान जाओ, मनु मनु बोलो 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 मनु मानो बोलो मनु बोलते मनु नो ऐसा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दूर्वा आजकल कितनी बदमाश हो गई। इसको यहाँ पे फोन देखना है, कार्टून देखने के लिए इतना ये करती है कि पूछो मैं तो बाबू के पास में यहाँ पे फोन था तो ये उसमें कार्टून देखने के लिए कैसे चिल्ला रही है, फोन ढूंढ रही है, चारों तरफ बोल रही है भैया दे दो दे दो। मेरा फोन के लिए भी ऐसे ही करती है, इसी वजह से भी जो मैं कभी कभार शूट नहीं कर पाती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ। इसके सामने तो फोन हाथ में लेना भी मतलब इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि फोन को देखते ऐसे करने लग जाती है गाय दिखाओ खुद से जाके बैठ जाती है, उसके बाद में बोलती है लाओ दिखाओ। क्या था आपने अभी ध्रुव वो गाना सुना था चुन्नी में बाबू तो उठे ना इन्हें बनाए तो मन दर्द है फिर कोई गरीब होने का मन मांगी दे रहा ठीक है फिर कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं करोगे। सो अभी हम सब लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं। मैंने बनाई थी आज पूड़ी कड्डी बनाई थी नवैसा नहीं, और मैंने बनाई थी पूड़ी और चटनी हरे धनिए की चटनी बनाई थी। तो सब लोग खा पी के फ्री हो गए, मैं भी अंदर रूम में आ गई हूँ। तो आज दुर्गा के बाबा आए नहीं, अभी उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे फिर मैंने सोचा कि उनके लिए गर्म पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो बहुत ठंडी हो जाती है सर्दी में तो गर्म ही खिला देते हैं, क्योंकि सुबह से खा के जाते हैं पूरा दिन परेशान होते हैं तो खाना अच्छे से मिलना चाहिए, इसलिए वो आएंगे तो फिर बनाऊंगी। दुर्गा गई ऊपर दादा के पास, पता नहीं वो कब तक रुकेगी कुछ पता नहीं है उसका, क्योंकि वो नाइट में कम ही रुकती है, तो अगर रोने लग गई तो फिर उसको लेके आऊंगी और मैं वेट कर रही हूँ, देखते हैं वो कब तक आता है, फिर बनाएंगे उनको खिलाएंगे पिलाएंगे फिर सोएंगे। तो रोज तो इस टाइम हम लोग ऊपर रूम में होते हैं सोने के लिए, लाइटिंग की प्रॉब्लम, लाइट इधर रह गई और मैं इधर रह गई, कोई नहीं चलो वेट करते हैं उनका आ जाए। ऊपर है पता नहीं सोई है या जगी हुई है, फिर तो सो था।
मैं खाना बनाने के लिए वेट कर रही हूँ। पूरी बनाई थी तो मैंने सोचा वो ठंडी हो जाएगी, फिर इसलिए बहुत लेट हो गया आज। पहले एक थोड़ा सा छोटा सा मिनी ब्लॉग एडिट किया, फिर दूसरा एडिट करने लग गई। मैं मेरा काम कर रही थी। चले अब सो वो आ गए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर उनके लिए जो बनाई थी गरम गरम पूड़ी, वैसे ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस 5-7 पूड़ी थी जो कि फटाफट से निकल गई थी। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि जो बाकी रोटी तो ठंडी हो जाए तो भी चल जाती है, बट पूड़ी नहीं अच्छी लगती। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।